सन्मानयोग गुरु रुख सतसंग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेंट करां। पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ी वार एक विचार मूल मंत्र दी दास ने आरंभ कीती है, उते शाम नूं आप जी दे सामने रखांगे। सतगुरु की हजूरी च बैठे हाँ, जो इस वक्त विचार बने ने मैं आप जी दे सामने रखण की कोशिश कर रहा हाँ। परिपूर्ण परमात्मा ने उंज ते अनेकां दा तरह दियां दातां नाल सानू भरपूर कीता है, निवाजे है। वेखण शक्ति है, सुनन शक्ति है, बोलन शक्ति है, चलन शक्ति है, करण शक्ति है, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। पर इन्हां सारियां शक्तियां दे नालों धार्मिक लोग दो शक्तियां नूं अजीम मनदे ने, महान मनदे ने, कि एक ते है समझ, समझना, सोच, अकल। दूसरा है जुड़ना, भावकता, जज्बे। कहिंदे ने जज्बियां दा संबंध अगन तत नाल है, अग्नि नाल संबंधित ने। जिस दे अंदर जज्बे ही नहीं, कह दिंदे ने मनुख ठंडा है, ये मनुख संबंध जोड़ नहीं सकता। जज्बे ही संबंध जोड़ते हैं। फिर कह दिता जाता है ये मनुख संबंधा नू समझ नहीं सकता। तो एक समझ ते एक जज्बा, जज्बिया नू भावकता कहते ने, समझ नू बौद्धकता कहते ने। बौद्धकता ते भावकता ये दो बहुत वड्डियां सौगातां परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख दी झोली दे च पाईयां ने। जिसनू समझना है उस नाल जुड़ना है, जिस नाल जुड़ना है उसनू समझना है, जिस नाल जुड़ना ही नहीं, जिहड़ी कुछ काम दे च ही नहीं आ सकती वस्तु, उनू समझ के समा व्यर्थ क्यों करिए, बर्बाद क्यों करिए। क्योंकि ब्रह्मंड बहुत वड्डा है, किस किस नूं समझांगे। जिसनूं समझना है, और मैं अर्ज करा समझदे भी कोई एक दशा हो सकती है किसी एक समय विच। इस वास्ते असीं देखते हाँ कि जो चोटी का संगीतकार है वह चोटी का कवि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे संगीतकारां नूं गीत कवियां दे चाहीदे ने, मुथाज ने कवियां दे। वह खुद गीत नहीं बना सकते, संगीत दी धुन बना सकते ने। चोटी दे संगीतकार कवि नहीं ने, और चोटी दे कवि कोई मुसव्वर नहीं ने, चित्रकार नहीं ने। चोटी दे चित्रकार संगतराश नहीं ने, और इसे तरीके नाल अगर कोई संगतराश है तो नृत्यकार नहीं है। समझ किसे एक दिशा विच ही बहुत अच्छी काम कर सकती है, और समझ नूं खिलेर देईए, इसनूं भी समझ, इसनूं भी समझ, इसनूं भी समझ, सब कुछ अधूरा रहेगा। जैसे हुण ते मैं देख के हैरान हाँ, शरीर का एक एक अंग इतना महान होंदा जा रहा है कि एक एक अंग दे भी स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे ने। ये पहले नहीं सी, एक कोई हकीम होंदा सी, एक कोई वैद होंदा सी, वही अखां दा इलाज करदा सी, वही कन्नां दा, वही दंदां दा, वही ताप चढ़ जाण, बुखार चढ़ जाण, उन्हां दा इलाज करदा सी, वही गुप्त रोगां दा इलाज करदा सी, वही प्रगट लोगां दा इलाज करदा सी। ज्यों ज्यों पिछे तुसीं चले जाओ, एक कम एको ही हकीम करता सी, एको ही वैद करता सी। पर आज नहीं, आज ते एक एक अंग दे स्पेशलिस्ट पैदा हो गए। कोई आई स्पेशलिस्ट है, और कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, मैं हैरान हूं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है,
एक एक पुरजा शरीर का इतना महान कि बड़ा समा लग जाता उन्हें समझण दे। और फिर भी मैं अर्ज करा समझ पूरी नहीं, किसी को भी पूरी नहीं। अगर कोई डॉक्टर कहिंदा है कि अखां दे संबंध च मैं पूरा जान लिया है, उस दे दावे फोके ने, पर जाने हैं ये मन दे हैं, पर पूरा ही जान लिया इस तो अगे कोई जानकारी नहीं है, ये उसका कहना गलत है। एक एक अंग अपने आप दे इतना महान है, ब्रह्मंड ते कितना वड्डा है, महान है। और मैनू इंज भी दिसदा पिया वह दिन भी आने वाले ने जब सज्जी अख दुखेगी किसी होर डॉक्टर को जाना पेगा, खब्बी दुखी तो किसी होर को जाना पैना, उपर दे दंद दुखे तो किसी होर डॉक्टर को जावांगे, थले दे दुखे तो किसी होर को जाना पेगा। वह दिन दूर नहीं ने, क्योंकि एक अंग अपने आप दे च महान है। तो मैं अर्ज करा समझ किसी एक दिशा दे च ही सही काम कर सकती है, चंगी काम कर सकती है, वरना नहीं। इसनों भी जान लीए, उसनों भी जान लीए, उसनों भी जान लीए, सारी जानकारी अधूरी रह जाएगी। इस वास्ते कोई भी जो जानकार है, स्पेशलिस्ट है, किसी एक अंग का ही है, हर पक्षों नहीं है, हर पासों नहीं है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा जिसनों समझना है उस नाल जुड़ना है, जिस नाल जुड़ना है उसनों समझना है। तो पहले समझना है कि पहले जुड़ना है? गुरु नानक कहते नहीं, पहले समझना है, जुड़ना बाद दे। जुड़ना भी है कि नहीं ये भी बाद दे, पहले समझना है। पातशाह जी दे बोल धन गुरु नानक देव जी महाराज दे, सुन मुंदे हरणाखिए गूड़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए तां की जे वापार। पहले सियाण कर ले, पहचान कर ले, समझ ले, खरीदी बाद दिच, लियावी बाद दिच, उनू अपनावी बाद दिच, पहले समझ। दुनिया दिच कुछ ऐसे मनुख ने समझ दे बाद दिच ने, जुड़ दे पहले ने, कुछ ऐसे ने समझदे ने पर जज्बे ठंडे होण करके जुड़दे ने, ऐसे भी ने। समझ ते बड़ी है समझ। भगत कबीर कहंदे ने इतनी वड्डी समझ है कि बातन ही असमान गिरावे। ऐसिया उन्हां कोल गल्लां ने जमीन ते आसमान एक करके रख देणगे, ऐसी उन्हां कोल समझ है, ऐसी उन्हां कोल विचार है। और मनुख दंग रह जाएगा कि जमीन ते आसमान इसने देख कर दिता है, अजूबा। समझ बड़ी है, और अक्सर जब समझ दी दुनिया च कोई बहुत अगे लंघ जाता है ते समझ नू सब कुछ समझ लेंदा है तो जज्बे ठंडे पै जांदे ने, भावुकता नहीं रहिंदी, बस बौद्धकता ही बौद्धकता, भावुकता नहीं रहिंदी। भावुकता है जुड़न लई, और जिस नाल जुड़ना है उन्हों समझ सकीए तो बौद्धकता है। ये दो शक्तियां परमात्मा ने बड़िया निरालिया ते अजीम दितिया ने मनुख ने, मनुख नो ए गल वखरी है कि उंज बहुत कुछ है मनुख कोल। हाथ ना आवन तां वी अपंग है, पैर ना आवन तां वी रह जाएगा, अखां ना आवन, कन ना आवन, बहुत कुछ घट जाएगा। लेकिन यह सब कुछ अपनी थां ते बौद्धकता ते भावकता अजीम ने, सब तो महान ने। कहिंदे ने दुनिया च कुछ ऐसे पुरुष ने भाव प्रधान ने, कुछ मनुख ऐसे ने बौद्धिकता दे तल ते प्रधान ने, बोध प्रधान ने। विचारवाना ने तो इस तरह की भी विचार कीती है कि स्त्री भाव प्रधान है, पुरुष बोध प्रधान है।
इस तरह कहते हैं, भावकता सुभाविक तौर ते बौद्धकता दे नालों प्रधान है स्त्री दे च। बौद्धकता भावकता दे नालों ज्यादा प्रधान है पुरुष दे च। इस हिसाब नाल दोवें अधूरे ने। स्त्री जुड़न दी ते कोशिश कर दिए, जुड़ भी जाती है, समझ नहीं, गुस्ताखी माफ। किधर मैं स्त्री दी तोहीन नहीं कर रहा, पुरुष भी इस तरह ही है, समझते जाता है, कई दफा समझ लेंदा है, जुड़ नहीं सकता, भावकता नहीं है। ये अपनी थां ते जो है रह जाता है। बौद्धकता नू कहिंदे ने अखां, भावकता नू कहिंदे ने पैर। अगर रस्ता वेख लिया तो हुण चलण लई ते पैर चाहिए ने। अखां हैं पैर नहीं तो रस्ता वेख लिया चल नहीं सकता। पैर हैगे ने अखां नहीं तो फिर ते भटकना है, सज्जे खब्बे भटकेगा। कुछ विचारक कहिंदे ने बौद्धकता दे नालों भावकता महान है। इस तरह दे पुरुषां ने स्त्री नूं महान कह दिता है। इस हिसाब नाल और जिस दे अंदर भावकता प्रधान होवे कह देंदे ने इह ते स्त्री वर्ग है। मैं फ्रायड मनोविश्लेषण जो हिंदी दी एक बुक इस वक्त भारत दी सब तो महंगी बिक रही है, किधरे जर्मन भाषा दे मन दियां लहरां बारे, मन दियां गहराइयां बारे किधरे फ्रायड ने लिखिया सी, वो आज हिंदी दे अनुवाद हो गया है, फ्रायड मनोविश्लेषण। उसका यह कहना कि भारत दे संत ऋषि मुनि स्त्रैण ने भाव इन्हां दे अंदर भावकता प्रधान है, जिसम इन्हां कोल पुरुष दा है, इन्हां कोल अंदरूनी हिस्सा सारे दा सारा स्त्री दा है, स्त्रैण ने, वो इंज कहिंदे ने। फ्रायड दा कहना इंज है, भावकता प्रधान है, बड़ी प्रधान है। और मैं यह भी अर्ज करा, वो जद कह रहे हैं भावकता प्रधान है तो कटाक्ष कर रहे हैं भाई कुछ भी नहीं है, भावकता तो भटकांदी है, ये भटके हुए लोग ने, भावकता तो भटकांदी क्योंकि अखां ते कोई नहीं, भावकता है, पैर हैगे ने अखां नहीं। पर मैं अर्ज करा अखां हैं पैर नहीं, रस्ता वेख ते लिया तो चल नहीं सकता, दोवें पैर कोई नहीं इस कोल। भावकता शायद भटक भटक के कदी पहुंच भी जाए क्योंकि चलना तो उसके कोल है ना, पर जिस कोल वेखना है चलना नहीं, सारी जिंदगी वेखनी ची लंघ जाएगी, पहुंचेगा किधरे भी नहीं। अक्सर ज्ञानी रह जाते ने भावक पहुंच जाते हैं, यह भी मैं अर्ज करते हैं। हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे। भगत कबीर के अंदर बड़ी समझ, बड़ी अकल, और ऐसी अकल है तो जमीन आसमान नु एक करके रख देंदा है। लेकिन फिर भी धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने प्रथम समझना है फिर चलना है फिर जुड़ना है। पहला वस्त सियाणीए तां की जे वापार, समझना अख है क्योंकि अख देखती है, समझ देखना है, अकल देखना है। पहला वस्त सियाणीए तां की जे वापार, पर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दे उत्ते जो प्रमाण दिता है, सुन मुंदे हरण आखिए, ऐ मुंदे ऐ हिरन वर्गी अख रखण वाली है,
परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ खूबियां वंडियां ने, बड़े सुंदर पंख उसने मोर नू दिते ने और किसे पंखी नू नहीं, बड़ी सुंदर आवाज उसने कोयल नू दिती है किसे नू नहीं, ऐसी मधुर आवाज किसे कोल भी नहीं जो कोयल कोल है, बड़े सुंदर नेत्र दिते ने उसने हिरन नू मिर्ग नू, ऐसे सुंदर नेत्र होर किसे कोल भी नहीं। ये सारियां खूबियां इस तरीके नाल शिंगार रस दे ग्रंथां विच मिलदियां ने, ते स्वप्न दे 32 लक्षण मने गए ने, 32। भगत नामदेव जी इसका जिक्र भी करते ने, प्रणवे नामदेव नाह के बिना ना सोए 32 लखणा। एक हिरदे दे च नाम नहीं ते सुंदरता दे 32 लक्षण कोल होवन करूप है। ठीक है, आवाज भी मधुर है, नैन भी मृग नैन ने, चाल भी हंस जैसी है, मुखड़ा भी कमल जैसा है, सारे 32 जो है लक्षण बयान कर देने स्वप्न दे, पर एक हिरदे च नाम नहीं। भगत कबीर भी कहते ने, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज करूप, कुछ भी नहीं। नामदेव तो इत्थे तक कहते ने कि हे परमात्मा, ये बंदे मेरे मत्थे ही ना लावी कदी। केड़े? जो ना भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना। मैं वेखना नहीं चाहता, जिन्हां दे दिल दिमाग दे तेरी समझ नहीं, तेरी याद नहीं, ये मेरे मत्थे ना लावी। क्यों? इन्हां कोल बैठांगे मत्थे लगणगे तू भुलेंगा। असी अरदास दे च ये जो शब्द ऐड कीते ने, से संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे, जिन्हां डिसंदणिया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाजड़े से। तो मैं अर्ज करा, ये 32 लक्षण ने स्वप्न दे, जिस दे च अगर नेत्र खूबसूरत ने तो कह दिता जांदे ते मृग रहन, क्योंकि सारे हिरना नू परमात्मा ने अखां खूबसूरत दित्तियां ने। आवाज बड़ी मधुर है तो बई ते कोयल जैसी, क्योंकि हर कोयल मधुर कंठ नाल बोलदी है। चाल दे च कोमलता है तो कह दिता जांदा है हंस चाल है, क्योंकि सारे हंस अपनी गति दे च अपनी चाल दे च कोमलता रखदे ने। ये तो खैर मुख्तसर दो चार मैं अर्ज कीतियां गल्लां। सुन मुंदे हरण आखिए, ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालिए। इस नाल क्यों तशबीह दित्ती? नेत्र जरूर खूबसूरत ने हिरन दे, पर हिरन नेत्रां करके ही ठगाया जांदा है, धोखा खा जांदा है। दूरों तपदी होई रेत नूं पानी समझ बैठदा है, सहरा विच अक्सर हिरन। धुप नाल जो जमीन तपदी है दूरों, वो देखदा है पानी, प्यासा है, दौड़दा है, जद कोल पहुंचदा है पानी नहीं, वो तो रेत है, पर हुण जद दूर वेखदा है तो फिर पानी दिखाई देंदा है, फिर दौड़दा है, कोल पहुंचदा है पानी नहीं, वो तो रेत है। दौड़ दौड़ के सहरा देच अपने प्राण दे देंदा है, पानी हाथ नहीं लगता। भी चलो तू एक दफा देखिया, धोखा सी, तपदी हुई रेत सी, तेनू पानी दिखाई दिती, पर तू दोबारा धोखा खादा, फिर तिबारा धोखा खादा, और धोखा खा खा के मर गया, तू धोखे च ही रहा, और ये धोखा तेनू अखां ने दिता। शेख साधी साहब ने किधरे गुलिस्तान दे च लिखिया, उसका भाव मैं थोड़े सामने रखा। कहिंदे ने, ऐ धोखेबाज, तू मैनू धोखा दिता, तेरे ते लानत,
पर ऐ धोखेबाज तू दोबारा मैनू धोखा दिता हुण मेरे ते लानत। ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਐ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਨਤ, ਪਰ ਐ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਨਤ। ਧੋਖਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਔਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਦਫ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਛਤਾਏ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਛਤਾਏ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਛਤਾਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪਛਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪਛਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪਛਤਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਈ। ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਛਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਛਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੋ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਅਜ਼ੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵਕਤਾ ਤੇ ਬੌਧਕਤਾ। ਤੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਇਤਨੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਤਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਈਏ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿਸ਼ ਵੀ ਖੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਭਾਵਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੌਧਕਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ। ਮੂਲ ਧਨੰਤਰ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਲੁਕਮਾਨੀ ਤਿਬ ਦਾ, ਯੂਨਾਨੀ ਤਿਬ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਵੈਦ ਧਨੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 14 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਚਿਕ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਦ ਧਨੰਤਰ ਰਤਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਇਤਨੀ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਇਸਨੇ, ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਜੋ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਲਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੀ ਗਰਮੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਵਾਯੂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
तो फिर ये वायु प्रधान शरीर हो गया, संतुलन बिगड़ गया, तवाजन बिगड़ गया। इलाज किए कुछ भी नहीं, कहने तवाजन ठीक करो। और संतुलन बहुत समय तक बिगड़िया रहा तो सारी शरीर की मशीनरी नाकारा हो सकती है। वैद्य अनंतर का ख्याल, जैसे गड्डी का एक पुर्जा खराब है तो चलते रही है, जे आवाज कर रही है चल रही है, लेकिन फिर चलांदे ही गए ठीक ना की थी तो हो सकता सारे इंजन नू ले बैठे, सारी गड्डी नू ले बैठे। सेम यही कुछ शरीर दे नाल है। बकौले वह धनंतर महाराज कहते सूझ समझते सारे दे अंदर इको जे हैं, जज्बे ते अकल भावकता ते बौद्धकता सारे दे अंदर इको जे हैं, पर कोई अपनी जीवन शैली करके इन्हों का तवाजन बिगाड़ देंदा है। बस इन्नी गल है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो एक दफा बौद्धकता ते भावकता का संतुलन बिगड़ गया, जीवन दुख दे बतीत होगा, यह मनुख सुखी नहीं हो सकता। संतुलन बिगड़ना की है, बौद्धकता इतनी वध गई है भावकता रही नहीं, अकल ही अकल है। हुण इकबाल जैसा आम शायर भी कहता है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। तेरे दिल च गर्मी ते रही नहीं, तेरे जज्बे ठंडे हो गए, तेरे च भावकता ते है ही नहीं। निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। अकल ते रस्ते दा दीवा सी, रस्ता वेखण वास्ते सी। बौद्धकते सी सिर्फ इस वास्ते रस्ता वेख लें, पर तू बस रस्ता ही वेखदा रहा, रस्ता ही वेखदा रहा, चलिया ही नहीं, क्योंकि तेरे जज्बे ठंडे पै गए, तेरे विच भावकता नहीं है। और भावकता है, बौद्धकता नहीं। कोई इस तरह भी तवाजन खो बैठ देना है तो भटकना जीवन भर आती है। ते हुण कदी कदाई ऐसा हो सकता है कि भटके हो भी चलो भटक भटक के किधर दरवाजे ते पहुंच जाए। जैसे कई दफा अंधे भी भटक भटक के टिकाने ते पहुंच जाते हैं। भावकता हो सकता है किधरे हजार दे चो एक कदनों मंजिल ते पहुंचा दे, एक नो बाकी ते सारे भटक जाएंगे। लेकिन बौद्धकता हजार दे च एक भी नहीं पहुंच सकता, बस क्योंकि वह तो देखता चलता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलता, सिर्फ देखने दे ची शौक है। पता नहीं कितने दुनिया दे च मैं ज्ञानी मिले ने, कहते ने ज्ञानी जी सानू सुनने का ही शौक है, पढ़ने का ही शौक है, बाकी कुछ नहीं। जब उन्होंने मैं ज्ञान देखदा तो मैं उन्होंने को पुछदा अमृत वेले उठते हो जप करते, कहते नहीं सानू बस सुनने का शौक है, पढ़ने का शौक, बस बौद्धकता बौद्धकता और कुछ भी नहीं है। तो इस बारे इकबाल इंज कहता है, ये ठीक है दिल के पास रहे पासबाने अकल। पासबानी अकल दी चाहिए, रखवाली अकल दी चाहिए, क्योंकि दिल बोला है, दिल भावक है, दिल जज्बाती है, इत चलेगा, गलत ना चल पाए, किधरे भटक ना जाए, तो रखवाली ते चाहिए। इस वास्ते बुद्धि नु मां भी कहंदे ने, बौद्धकता नु मां भी कहंदे। ये ठीक है कि दिल के पास रहे पास बाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। एक छोटा बच्चा सी, मां उसका हाथ पकड़ के चलांदी सी, अज वो जवान हो गया है ते हुण भी मां आखे मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ना, तो मां यकीन जानो डायण बन जाएगी, गुस्ताखी मां, हुण ते हाथ छोड़ना पएगा, हुण उन्हूं चलन की जाच आ गई है।
पर तू आखे नहीं, मैं इस तरह इस नूं चलाया सी, इह नहीं चल सकदा सी, मैं इस तरह इस नूं चलाया सी, चलाया होवेगा पर हुण चल सकदा है। पर कोई मां जिद करे नहीं, मैं हुण भी हथ पकड़ के ही चलाना है, उंज नहीं तो वह तो अपंग हो जाएगा, वह तो रह जाएगा। इकबाल कहिंदा है, हुण अकल नूं किसे वक्त एक पासे भी कर दे, सुट दे परे, हथ छुड़ा ले इस तों। अगर ये अकल ये मां हुण भी हथ पकड़े नहीं, इसनूं एक पासे कर। किस वक्त एक पासे करिए, जद अल्लाहू अल्लाहू करना है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जद वाहेगुरु जपना है अकल एक पासे सुट, जद बाणी पढ़नी है अकल एक पासे सट। पता नहीं कितनिया ने मैनू आखे अर्थ बोध ते सानू आउंदे नहीं ते बाणी पढ़ के की करिए, तो मैं कि जिन्हां नू अर्थ बोध आउंदे ने फिर वह तो सारे ब्रह्मज्ञानी हो जाने चाहिए ने, जिन्हां नू आउंदे ने वह कि ब्रह्मज्ञानी हो गए ने, वह कि रब नाल जुड़ गए ने, यह कि चक्रां च पए हो, यह किस भुलेखें तुसी पै गए। बाणी इंज पढ़ो अंदर ये भाव करके कि गुरु नानक की बाणी पढ़ रहे हैं, और गुरु नानक की बाणी खसम दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने, क्या है थोड़ी गल है कि साड़ी जबान ते परमात्मा दे बोल, क्या है थोड़ी गल है, जबान ये झूठी जबान, इस दे खसम दे बोल आ गए, परमात्मा की बाणी आ गई, परमात्मा दे बोल आ गए ने, यही एक जज्बा झरनाट पैदा कर देगा। इतना एक जज्बा सारी पवित्रता नूं अंदर पैदा कर देगा। मैं बड़ा खुशकिस्मत, मैनू परमात्मा दे बोल पढ़न नूं मिल गए, मेरी जबान पई उचारण कर दी है वो बोल जो परमात्मा दे, क्या थोड़ी गल है, ये तो बहुत वड्डी सौगात है। अर्थ तेनू आ भी गए तो की हो जाना, जिन्हां नूं आउंदे ने अर्थ वह किहड़े जो है परम पुरख हो गए ने, इस चक्कर च नहीं पैना चाहिए। पढ़ते जाओ, चलते जाओगे, पहुंच के सारे अर्थ खुल जाएंगे और वो सही अर्थ होंगे। इस तो पहले मैं अर्ज करा कोई भी अर्थ अर्थ नहीं है। तुसी आखोगे मैं की आख रहा, इस वास्ते कह रहा घट तो घट मैं अपनी जिंदगी 50 टीके जपजी साहब दे देखे ने, 50। एक दे अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। उदासियां दे टीके, निर्मलियां दे टीके, फिर प्राचीन टीका भाई साहब भाई संतोख सिंह जी का गर्भगंज ने, सोडी तेजा सिंह, फिर फरीदकोटियां दे टीके भाई वीर सिंह बाबा बिशन सिंह, फिर पंडित गणेशा सिंह पंडित तारा सिंह नरोत्तम, फिर सत्तो अली गली संत अमीर सिंह उन्हां दा टीका, फिर प्रिंसिपल साहब सिंह ने पता नहीं कितने टीके, प्रिंसिपल गंगा सिंह ने भी किया। और मैं हैरान, एक अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। या तो कहिए ये सारे ही गलत ने, या कहिए कोई एक ठीक है बाकी सारे गलत ने, आखिर एक ही ठीक हो सकता है ना, क्योंकि एक दे अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। गुरु ग्रंथ साहब के सारे अर्थ भी एक दे दूजे नाल नहीं मिलते, तो हुण की आखिए सारे गलत ने, या फिर फैसला करिए एक ठीक हो सकता है बाकी सारे गलत ने। हुण किहड़ा एक ठीक होवेगा, लोकां दी अपनी अपनी ममता है, लोकां दे अपने अपने जो है भावुकता है, जुड़े हुए ने कोई जात करके बिरादरी करके, कोई कह देंदा नहीं बस सोडी तेजा सिंह ही महान ने बाकी नहीं, कोई कह देंदा नहीं कवि संतोख सिंह जी का टीका अजीम है बाकी कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ कह देंगे प्रिंसिपल साहिब सिंह महान ने, कोई कह देंगे नहीं एक किस तरह हो सकता है भाई वीर सिंह तो अगे कौन हो सकता है, कोई बाबे बिशन सिंह नूं अगे लियाणगे, कोई उदासियां नूं अगे लियाणगे, संप्रदाय लियाणगे संत अमीर सिंह नूं अगे नहीं जी, उन्हां दा टीका महान है। मैं ते विचकारे में थोड़ा टाइम लै बैठा, 50 टीके ने, एक टीका दूजे नाल नहीं मिलता, तो हुण की करिए, या तो फैसला करिए एक ठीक है बाकी सारे गलत ने, या कहिए सारे ही गलत ने,
तो मेरी समझ जेड़ी गल आई है सारे ही ठीक ने, एक भी गलत ने, सारे ही ठीक ने। वो किस तरह? जपजी साहब एक सागर है रतना नाल भरिया होया, पता नहीं कितने रतन पए ने। जिहड़ा टीकाकार जितना गहरा चला गया तो सागर दे जिस कोने च चला गया, हुण हर पासे थोड़ी जाएगा, सागर दे जिस कोने च चला गया मोती उसनू लभ पए ने, उस तरह दे नीलम पन्ने उसनू लभ पए ने। चूंकि हैं सारे ही सागर दे मोती, इस वास्ते सारे ही ठीक ने। यह गल वखरी है, पता नहीं सागर दे किहड़े कोने चो लभ के लिया है, किस कुंठ चो लभ के लिया है। मंजी साहब गुरुद्वारा साहब दरबार साहब का कथा स्थान, उत्थे विवाद चल रहा सी, और सुभाव के मैनू किधरे गल फुर गई, धन गुरु रामदास जी ने बख्शिश कर दी। मैं कहा विवाद कानू कर दे हो, सारे ही ठीक ने। तीन चार तरह के विद्वान, बहुत भयंकर विद्वान जो है विवाद चल पाया, और मैं देखिया विचार तकरार बनन लग पई है। भाई संतोख सिंह जी कहन जब विचार तकरार बनन लगे तो विचारक एक पासे हो जाता है, क्योंकि हुण तकरार बनन लग पई है, तो तकरार विचार होंदी नहीं। अगर फिर कोई तकरार दे शामिल हो गया है तो भाई संतोख सिंह जी कहते ने विचारक नहीं है, विचारक फिर एक पासे हो जाता है, हाथ जोड़ के एक पासे हो जाता है। ठीक है, फिर तुसी ठीक हो आप एक पासे। मैं उत्थे देख ले है इते विचार तकरार ते किधरे हाथा पाई तक नौबत ना आवे, तकरार जो हो गई। ते उत्थे मैं समा मंग लिया, मैं कि दो मिनट मैनू भी वक्त दे दो, मैं कुछ कहना है। उस सारे कहन लगे काफी देर दे तुसी चुप बैठे बोलते ही नहीं। मैं कह मैं हुण बोलना मुनासिब समझना है, क्योंकि हुण विचार तकरार बनन लग पई है। कि जो पानी सी अग हो गया, जिन्हें खेतां नू हरा भरा करना सी ते जलाएगा साड़ेगा। मैं कह सारे ही ठीक ने। कहने ये किस तरह, किस दृष्टिकोण नाल तुसी कहंदे हो, दृष्टिकोण रखो। क्योंकि सारियां कोल दृष्टिकोण सन, कोई ग्रामर नू अगे लैंदा सी वे ग्रामर अनुसार प्रिंसिपल साहिब सिंह बिल्कुल ठीक ने, पर कोई कहंदा सी भावकता तो हीणे ने, बौद्धकता ही बौद्धकता है। इस वास्ते ये टीका खुश्क है, बड़ा रस नहीं है। लोगों को प्रमाणकता सी, बकायदा दलीलां सन, ये भी मैं अर्ज कर दें। और उन्हां सारिया दलीलों इत्थे सामने रखिए तो गुस्ताखी मां बंदा नास्तिक भी हो सकता है, इन्नियां दलीलां उन्होंने कठियां कीतियां। मैं कह सारे ही ठीक ने। तो कहन लगे प्रमाणकता, इहदे उत्ते कोई प्रमाणकता, एवें तां नहीं मनन लगे असी सारे ही ठीक ने, एवें किवें मन लईए, तुसीं कह दिता है तो असी मन लईए, इह किस तरह हो सकदा है। मैं कह इस तरह है, गुरु नानक दी जपजी एक महासागर है, और सागर नू संस्कृत दे च कहिंदे ने रतनाकर, क्योंकि कहिंदे ने रतन सागर दे चों निकले, और मन लैंदे आ क्योंकि जीवन सारा पानी चों निकलिया, साचे ते पवणा भाया पवणे ते जल होए। तो जे सारा विकास पानी तो चलिया तो मन लेना चाहिए पानी चो रतन निकले। रतनाकर रतना दी खाण, रतन उपाय धरे खीर मथिया होर भखलाए जे असी किया, कह नानक छपे क्यों छपिया एक ही वंड दिया। आसा मल्ला पहला महाराज भी इसनों रतनाकर कहंदे ने, रतना दी खाण। तो मैं कह जपजी एक सागर है, रतना दी खाण है। अतकी दास ने मूल मंत्र आप जी दे सामने रखिया है, फिर दोबारा मुलाकात हुई सतगुरु ने, सेहत बख्शी जिंदगी बख्शी, तो शायद जपजी साहब दियां कुछ विचारां आप जी दे सामने रखिए। मैं कहे सागर है, तो सागर दे च ते सारा फोलना फरोल करनी औखी है। तू दरिया दाना बीना मैं मछली
कैसे अंत ना, हुण इह मछली किवें नापे सारे सागर नूं, कई कौणे ने इसने फैलाव है, बहुत वड्डा है। तो मैं कहा सारे ही ठीक ने, जिस जिस कौणे दे, जिस जिस गहराई चों जो कुछ भी जो लभ के लैन है, ते सागर दा ना अर्थ ते जपजी साहब दा ही ने ना, है ते इस सागर दा ही, तो सारे ही ठीक ने। अगर कोई संख भी कढ के ले आया तो सागर दे ही ने, अगर कोई सिपियां भी कढ के ले आया तो सागर दियां ने, अगर कोई मोती भी कढ के ले आया तो सागर दे ही ने, सारे ही ठीक ने। ये उस जमाने की गल है जब इस विवाद विच बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले भी बैठे सन, चुप हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे मस्कीन गल ये है, गल तेरी ठीक ना आती हुई भी असी मान लेंदे हां, गल खत्म। उठा दिती उन्होंने सभा, कहने लगे गल तेरी ठीक ना ही आते हुए तकरार खत्म कर दी है, चलो असी तकरार खत्म की थी, चले। तो मैं सुभावक बाद दे च पुछ लिया जब कमरिया च गए, मैं कहा बाबा जी तुसी इस तरह कहे कि मेरा दिल तोड़े, मैं तो ऐसा मनदा सारे ही ठीक ने। कहने लगे मैं भी इस तरह ही मनदा, पर हुण तकरार करन वालियां नूं भी तो राजी रखना सी ना, कहिंदा सिर्फ तैनू राजी थोड़ी रखना सी। कहने लगे उन्हां नूं तो चुप कराना सी, उन्हां नूं भी तो शांत कराना सी। मैं कहा बड़ी नीति खेड गए, कहने लगे नीति ना वरतीए तो इस तरह हो सकता सी, आता पाई हो जानी सी, बहुत कुछ हो जाना सी। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये अथाह सागर है आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहें तेती। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं संबंधा नूं समझना है, संबंधा नाल जुड़ना है। संबंधा की समझ पशु नूं नहीं है, उन्हूं कुछ भी नहीं पता कौन नानके ने, कौन दादके ने, कौन सौरे ने, कुछ भी नहीं पता। कौन मां है, कौन भैन है, कौन पिता है, भरा कौन है, पुत्र कौन है, पोतरा कौन है, परपोतड़ा कौन है, दादकियां दी कोई समझ नहीं, नानकियां दी कोई समझ नहीं, सौरियां दी कोई समझ नहीं, संबंधां दी समझ ही नहीं कि खाक जुड़ेगा वो नहीं जुड़ सकता। इस वास्ते पशुआं दी परिवारक जिंदगी नहीं बन सकी, और जिथे जिथे मनुखां दी भी परिवारक जिंदगी ना बने तो समझ लेना नानके दादके सोहरियां दी समझ इत्थे भी नहीं रही, भावुकता मिट गई, ये भी पशुआं दी तरह जीण लग पे, परिवारक जीवन खत्म, परिवारक दृष्टिकोण खत्म। मैं तो पता नहीं किस मैगजीन दे च पढ़िया सी, हुण ते मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते खत्म हो गए। मैं कह हद हो गई, घर ते मकान दे च फर्क। कहिंदा हुण ते मकान ही मकान रह गए ने, घर ते खत्म। घर ते ओह हुंदा जिथे परिवारक जिंदगी होवे, नानके दादके सहुरियां दे संबंध होवन, बस मकान ही मकान रह गए, घर ते रह ही कोई नहीं, घर ते खत्म होंदे जा रहे ने। मनुख भी शायद पिछे मुड़ पिया है, इहदी बौद्धिकता किधरे इस नूं पशु ना बना दे। ऐसा होंदा है मिठे नूं बहुत तरकाइए, बहुत तरकाइए तो मिठा कौड़ा बन जाता है, शराब ही बन जाता है, और की है, मिठा ही कौड़ा हो जाता है। बौद्धिकता तरक के सिवाय कुड़तन तो होर कुछ भी नहीं बनती। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, संबंधा नूं समझना है फिर जुड़ना है, तो जुड़न लई चाहिए भावुकता। तो जिस दे अंदर भावुकता परमात्मा दे प्रति पैदा हो जाए उसे नूं कहिंदे ने भगत। ये दो शब्दां दा जोड़ है भगत, भाव अंकित, भाव अंकित, भाव इत्थे जिहड़ी भावना है टिक गई है, अंकित हो गई है, भाव अंकित। तो इन्हां दो शब्दां नूं, संस्कृत शैली ऐसी है कि ये दो शब्दां नूं, तीन शब्दां नूं इक्को ही शब्द विच बयान करदे ने। जैसे एक पद है जयदेव जी का, परमाद पुरख मनो पिमंसत आदि भाव रतन, परमद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग। और शब्द ते है परमाद, ऐड़ा विचों कढ दिता है, परमाद एक अखर बना दिता है।
पुरख मनोपिमंग मनो उपमंग शब्द है, मनो उपमंग एड़ा विचों कढ दिता, एको शब्द कर दिता है मनोपिमंग। ये जयदेव ने कला इत्थे वरती है अपने पदे दे गुजरी राग दे। संस्कृत दे किधरे किधरे ऐसा भी है तीन शब्दों एक शब्द बयान करना, चार शब्दों एक शब्द बयान करना, बहुत कुछ कहना है थोड़े दे कहना है तो इस तरह वो कर देन। भगत शब्द दो शब्दों का जोड़ है, भाव अंकित, भावना अंकित हो गई है, टिक गई है। और भगत तो भगत है तो ये चल पे है, ये चल पे है। इस वास्ते भगत दी बड़ी महिमा है। और गुरबाणी का फैसला, पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और ना कोई। पंडित विद्वान ज्ञानी, सूरवीर छतरपति राजा धनवान गुणवान, भगत दी बराबरी ते नहीं ने। भगत सब तो अजीम, भगत सब तो महान। पंडित सूर छतरपत राजा बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, विद्या ची रह गया है, वेख सकदा बड़ी दूर तक वेख सकदा, इहदे कोल दूरबीन भी है, इहदे तारियां तो अगे भी झात मार सकदा, जैसे इकबाल कहिंदे ने सितारों से आगे जहां और भी है। इत्थे लॉस एंजलिस दे च मैनू लै गए सन एक सज्जन, दो चार साल पहले दी गल है, कहिंदे गैनी जी इत्थे पहाड़ दे उत्ते एक ऐसी दूरबीन है दिन नू तारे वेखे जा सकदे ने, एक अजूबा है थानू दिखाना है। मैं कहा ठीक है, मैं देखना है। और वाकई मैं देख के हैरान होया कि रात नू भी इतनी सफाई नाल आदमी तारे नहीं देख सकता कि दिन नू जिस तरह उत्थे दिखाई देंदे ने। मैं देखदा ही रहा काफी देर तक। मैं सुभाविक उन्होंने कह बैठा, मैं कहा पंजाब देश ते ऐसी गल है कि किसी नाल ऐसा वैसा कुछ हो जाए ना व्यवहार, कहिंदा मैं तेनू दिन नू तारे दिखा देंगा। ते साइंस ने सारियां नू दिन दे विच तारे दिखा दिते, देखो भाई दिन नू तारे देखो। नजरां बहुत दूर तक चलिया गई, बहुत दूर तक चलिया गई, जो कुछ नहीं वेखिया जा सकता सी मनुख वेख सकता है। अकल बहुत अगे चली गई है, बहुत अगे चली गई है, भावुकता पछड़ के रह गई है इस सदी दे, भावनावां पछड़ के रह गई ने, अखां बहुत अगे लंघ गई, हिरदा बिल्कुल पिछे रह गया, अकल बहुत अगे चली गई, हिरदा बहुत पिछे रह गया। ते हिरदे दे नेड़े कोई होवे तां ही उसनू सीने नाल लाण नू जी करदा, वरना तो मुश्किल है। ईरानी लोगां नू मैं देखिया, अफगानियां ते ईरानियां नू जद बिछड़न भी लगन दोवें इत्थे हथ रख दें दोवें। पहले मेरी समझ च नहीं आई सी गल, मैं कहा हद हो गई, हुण विछण लगे ने, विदायगी देण आए ने स्टेशन ते एयरपोर्ट ते, पर जो जा रहे है और जो विदायगी देण आए ने दोवें हथ रखते ने। बाद च मेरी समझ च आई भी हुण जमीन दे तल ते दे दूर होण लगे आ फासला, पर तू मेरे दिल दे च तेरी याद रहेगी, तू मेरे दिल दे च रहेगा, तू मेथों दूर नहीं जाएगा, तेरे नाल मेरा संबंध जुड़िया रहेगा। याद सारियां दूरियां मिटा देंदी है। इसनों औरंगजेब दी चहेती लड़की जेबुल नसा ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। शालीमार बाग दी गल है लाहौर दी। पतझड़ दी लुत्त सी ते गुलाबां दा, गुलाब दा एक चमन सी, सारे ही गुलाब सन, तो उन खिजां करके मुरझाए हुए पत्ते भी झड़ गए, गुलाब ते है ही नहीं सी मौसमे खिजां। लेकिन एक बुलबुल बैठी है नगमे अलाप रही है एक बूटे ते। जेबुल नसा दी सहेली कहिंदी है मैं ते सुनिया सी बुलबुलां फुल्लां दी शौकीन आउंदियां ने ते फुल्लां नू वेख के नगमे अलापदियां ने,
ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਬੁਨ ਸਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੈਸੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਜੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ। ਜ਼ੇਬੁਨ ਨਸਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਾਓ ਸੀ। ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜ਼ੇਬੁਨ ਨਸਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕੇ ਬੁਲਬੁਲ ਕਮਨਾ ਗਰਦਤ ਗਰਵਦ ਗੁਲ ਅਸ ਚਮਨ, ਹੁਸਨ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਅਸਤ ਇਸ਼ਕ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਨੇਸਤ। ਰੂਪ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਰੂਪ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਯਾਦ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਗਮੇ ਅਲਾਪਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਗਮੇ ਅਲਾਪਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਬੁਨ ਨਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ। ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਨੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਜ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ, ਅਗਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾ ਹੋਵਨ, ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਮੋਹ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਮੋਹ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਪਾਈ, ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰਨ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਮੋਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਜਦ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਹ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਜਦ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹਿ, ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਜਦ ਐਨ ਸਮਤਲ ਤੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੋਹ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਪਿਓਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਆ ਖੋਏ, ਇਨ ਮੁੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਸਤਰੰਗਾ ਸੂਤਰ ਸੀ, ਕਥਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਰੰਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਚਦਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸੂਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੰਗਿਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਥਾਨ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਰਸਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਇਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋ ਸੱਤ ਰੰਗਾ ਸੂਤਰ ਸੀ ਵੇਚ ਆਇਆ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੈ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪਦੀ ਰਹੀ, ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਰਹੀ, ਕੱਤਦੀ ਕੱਤਦੀ ਥੱਕ ਗਈ, ਰੰਗਦੀ ਰੰਗਦੀ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪੜੋਸਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਦੇਰਾਨੀ ਸੁਣੋ ਜਿਠਾਨੀ, ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਖੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ, ਇਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੋਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਮੋਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਅੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਉਸਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਤਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਮੋਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵਕਤਾ ਜਦ ਸਮਤਲ ਤੇ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਘਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਕਰਾਇਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
और मोह करके कोई सारी जिंदगी भी आंदा रहे तृप्ति नहीं होगी। ये भी मैं अर्ज कर दिया, क्योंकि ये पिता इतना स्याणा है, इनू पता है की कुछ देना है। कई दफा बच्चा वो मंग लैंदा है जो उसके लायक नहीं है, या उसनों मिल गया तो दी गलत वर्तों करेगा और खुद तबाह हो जाएगा। जैसे चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले, बल्दी हुई अग ए बच्चा हथ पाना चाहता है, मां रोक दिए नहीं, बच्चे नु खिंच दिए। ये रोंदा होया बच्चा मां नु दुश्मन समझ बैठता है, पर रोंदे हुए बच्चे ते तरस खा के मां छोड़ देवे ले पा अग दे च हाथ पा, तो मां ना होइए तो डायन हो गई। फिर इस मां ने मां होने का फर्ज नहीं निभाया, रोंदा है तो रोन दो बच्चे नु, छोड़ना नहीं इसनु, ये तो अग दे जाना चाहता है, रोंदा है तो रोवे। कई दफा गुरु परमात्मा कहना कुरलाना ते तू कुरला, तड़पना ते तू तड़प, ये ते नहीं देना तेन, ये तेरे लायक नहीं है, तू इसकी गलत वरतों करेंगा। तो मनुख कुरलांदा रह जाता है, तड़पदा रह जाता है, ले मैं अखंड पाठ रखाया सी, लंगर चलाया सी, इना दान पुन किया, इन्नी सेवा की थी, तू गुरु साड़ी गल नहीं सुनी, तो जे गल नहीं सुनी इसे तेरी भलाई है, इसी च तेरी भलाई है, अगर तू समझ सकें, अगर तू जान सकें। भावकता जब समतल ते बगदी है तो प्रेम कहलांदी है। जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, प्रेम देच कुर्बानी है। गुरु ने कहा मैनु सीस चाहिदा है, खड़े होके दया सिंह कहिंदे ने पातशाह जिस दिन यह सीस थोड़े कदमां ते रखिया सी इह ते उदों दा ही थोड़ा है, असी ते अपना समझे ही नहीं, एलो साढ़े धड़ नाल लगे होया सी, लो जद दिन दा थोड़े कदमां ते रखे है ते सिर थोड़े कदमां ते ही है, ले लो। प्रेम दे च कुर्बानी आउंदी है, ऐसा नहीं है। और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी कुर्बानी, मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है सब ही इन्हें को, मेरे घर दे च मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है ए खालसा तेरा ही है, तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं, ये थोड़ी गलत नहीं। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है सब ही इन ही को, महाराज किधरे साड़ी खुशामत ते नहीं, तो साहब कहने नहीं, या मैं रंच न मिथ्या बाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी, मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नु साखी करके कहना मेरे घर दे जो कुछ भी है सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। पर मां अगर सदके होवे एक बच्चे थे ते बच्चा खुश होके आके हुण मैं अग दे च हथ पाना है क्योंकि मां खुश बड़ी है, ते मां रोके बच्चे दी खुशी रोने च बदलेगी, रोवे पिया मां हथ नहीं छोड़ेगी। जेड़ियां मंगा तेरिया नहीं पूरियां हो रही पुरखा तेरे लिए ठीक नहीं सन, पर भावकता जद प्रेम बनती इस दे च मंग रही नहीं, ये भी मैं अर्ज करते हैं। जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, ये प्रेम कदी मनुखां दी तरफ भी वग सकता है। जैसे भाई गुरदास जैसे अजीम महान विचारक नू दार्शनिक नू ते गुरु घर दे वेद व्यास नू भी लैला मजनू दी गल करनी पई, सोनी महिवाल दी गल करनी पई हैरानगी, दो चार पौड़ियां दे च लगातार उन्होंने जिक्र कीता है, लैला दी दरगाह दा कुत्ता मदनू देख लुभाणा। चलो कोई आम कवि आम शायर इस तरह लिखे कहे, पर नहीं, ये भाई गुरदास जी दे बोल ने और इस बाणी नू कीर्तन दे च गायन करन दी पंथक इजाजत है। ये कीर्तन दे च भी गायन हो सकती है, इस बाणी दा कीर्तन भी हो सकता है। तो कीर्तन दे च लैला मजनू दे किसे गाइए, हां गाने पैणगे, लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती, महीवाल नू सोनी नैतर दी राती, सस्सी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। हद हो गई, इन्हां सारियां दा जिक्र करिए एक धार्मिक सथल दे च,
और गाइए ते सुनिए भावना नाल। हाँ, ये ओ पुरुष ने जिन्हां दा संबंध मोह दा नहीं सी, लैण देण दा संबंध नहीं सी, प्रेम सी, निछावर होए एक दूसरे तो, कुर्बान होए, सदके होए, ये मोह दा संबंध नहीं सी। कोई लैला दा मजनू नाल मोह नहीं है, मजनू दा लैला नाल मोह नहीं है, प्रेम है, एक दूजे तो कुर्बान होए ने, सदके होए ने, लैण देण दा रिश्ता नहीं है। अगर लैण देण दा तो फिर तो मोह है। तो भाई गुरदास जैसे नू भी उपमा करनी पई इना दी, दूर क्यों जाओ नंद लाल नू भी करनी पई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अजीम अनन सिख ते जिन्हां दे ते सतगुर स्वयं माण करदे सन, नंद लाल ने भी उपमा कीती है। कोई एक शायर लैला मजनू दा किस्सा लैके आ गया सी भाई साहब दे कोल, भाई नंद लाल दे कोल, ते कहन लगा भाई साहब मैं सिर्फ थानू 2-3 सफे सुनाने ने, 2 सफे मजनू दे, 2 सफे लैला दे, क्योंकि सारी किताब सुनानी ते औखी है, ते थोड़ी राय लेनी है मैं ठीक लिखे है कि नहीं। एक कवि नू रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब उसकी कविता नू कोई कवि दाद देवे। उंज सिर हिलाने वाले तो बथेरे होंदे ने, रस लैण वाले तो बथेरे होंदे ने, पर कवि नू रूहानी खुशी नहीं मिलती। कवि नू रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब उसकी खोज नू और उसकी कविता नू कोई कवि दाद देवे। संगीत की धुन सुन के सिर ते बथेरे हिलाणगे, रस भी आ सकता है, पर संगीतकार नू रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब कोई संगीतकार उसनू दाद देवे। उंज नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दें, किसी मुसव्वर की बनाई हुई तस्वीर नू देख के वाह वाह करी जानी, इहदे नाल मुसव्वर नू रूहानी खुशी नहीं मिलती, पर कोई मुसव्वर कोई चित्रकार कह दे कमाल है, यकीन जानो उन्हें रूहानी खुशी मिलती है, क्योंकि वह जानकार है, समझदा है। कोई समझदार महिमा गायन करे, जिहड़ा वाह वाह कर रहा है तो समझ कुछ भी नहीं। तो उस शायर नू पता है, लतीफ इसका नाम सी, इसनू पता है नंद लाल कविता की दुनिया च बहुत अगे है, बहुत अगे है। तो परशियन का लिखा हुआ है ग्रंथ जो लैला मजनू का किस्सा सी भाई नंद लाल को ले आया, ते नंद लाल की मादरी जबान परशियन सी, अफगानिस्तान तो आए सन गजनी तो। कहिंदे ने इह शायर थोड़ा जिहा तरन्नम दे कहण लग पिया गा के, तरन्नम दे अक्सर मुस्लिम शायर अपनी शायरी करीबन करीबन 80% शायर कविता नू शायरी नू तरन्नम दे पेश करदे ने। उन्हें भी तरन्नम दे गा के किस्सा बयान करना शुरू किया मजनू दा, 2 सफे पहले मजनू दे। थोड़े जिहे ही बोल सुने ने भाई साहब पहले अश्कबार होए, भावक होए, फिर जुड़ गए। 2 सफे सुनाण तो बाद ये शायर कहिंदा है भाई साहब हुण मैं थानू लैला दा किस्सा सुनाण लगा, ते हुण तुसी लैला दी गल सुनो। तो पता है हुण भाई साहब भाई नंद लाल की कहिंदे ने, वो बोल मैं थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई नंद लाल आप कहिंदे ने, मगो अजहाले लैली बादले शौरीदा है गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। नंद लाल दे पागल दिल नू लैला दा किस्सा ना सुना, मैं मजनू दा किस्सा सुन के अपनी अकल गवा बैठा। जे तू हुण लैला दा किस्सा सुनाया तो मैं अपनी जान गवा बैठांगा, ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मेरे च ताब नहीं है। इतना प्रेम, ऐसा प्रेम मैं नहीं सुन सकता, मेरी सुध बुध खो गई है।
मैं नहीं सुन सकता। हद हो गई, गल मजनू दी सुनी, जुड़ गए परमात्मा नाल। लोकी परमात्मा दी गल सुन के भी परमात्मा नाल नहीं जुड़दे। गल सुनी मजनू दी ते जुड़ गए कलगीधर नाल। लोकी कलगीधर दी गल सुन के भी कलगीधर नाल नहीं जुड़दे। इतना भावक हिरदा नंद लाल दा, मगो अज हाले ले ली बादले शौरीदा है गोया के शराहे किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजत। मैं ते दीवाना हो गया, पागल हो गया। हुण पागल नू होर की सुनाएगा, ना सुना। मैं अपनी अकल खो बैठा, मेरी सोचनी जांदी रही है मजनू दी गल सुन के। प्रेम दे चौंदा फिदा होना, कुर्बान होना। लोकी कहंदे ते हैं मैनू तेरे नाल प्रेम है, तेरे नाल प्रेम है। पता नहीं कितने मैं बैठा से, एक मैनू कहन लगा इस आइसक्रीम नाल मैनू बड़ा प्रेम है। मैं कहा होवेगा तेनू बड़ा प्रेम आइसक्रीम नाल। हुण ये भी नहीं पता प्रेम दे अर्थ की ने। प्रेम ते कुर्बानी ते खड़ा है, निछावर होण ते खड़ा है। आइसक्रीम ते निछावर होवेगा, कुर्बान होवेगा। मैनू आइसक्रीम नाल बड़ा प्रेम है, फलाने फलां नाल बड़ा प्रेम है। लोकी प्रेम शब्द नू ऐसी ऐसी थावां ते वरत चुके ने, ये अल्फाज अपनी अहमियत गवा बैठा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, यही भावकता जद उपर दी तरफ उठे जिवें फुहारे दा पानी, ये भावकता जद थले दी तरफ जावे आबशार थले आ रही है मोह, ये समतल ते वग रही है प्रेम। पर इस दे च उछाल आ जाए जैसे कि बदल उमड़ पए ने, उछल पए ने, सागर तो उपर जा रहे ने, उपर उठ गए ने। जैसे कि फुहारे दा पानी कुछ ऐसा प्रेशर मिले है, उपर उठ गया है। इनू भगती कहंदे ने, भगती रस। प्रेम दे सारे विचार खो जांदे ने, भगती दे सारे पाप खो जांदे ने। ये भी मैर्ज करदे हैं। ऐन हिरदे नू कंचन वर्गा कर देंदी है भगती। पानी उपर दी तरफ उछल पे है, इते उपर उठ गया है, इतना हल्का हो गया है, हवावां दे मोंडियां ते असवार होके उपर जा रहा है। बदल सुरत उच्ची हो गई, बहुत उच्ची हो गई, भावकता भगती बन गई है। भाव अंकित होया है और भगती दे रूप दे, भाव अंकित आंदा है किधरे मोह दे रूप, भाव अंकित आंदा है किधरे प्रेम दे रूप, भाव अंकित आंदा है किधरे भगती दे रूप। और मैं ये अर्ज करा, तिन्ना दी अपनी महिमा है। कोई मोह करके भी गुरु को ला सकदा है, लेना देना है, लेन देन दा संबंध है। कोई प्रेम करके भी आ सकदा है, विचारां दी सांझ है। बहुत उचताई नसीब नहीं होवेगी। ऐ गुरु भावें तू बराबरी देना है, भावें तू आखदा है खालसा मेरो रूप है खास, भावें तू बराबरी देना है, भावें तू सानू समतल देना है, कितना भी समतल देवे तू फिर भी उच्चा है, तू फिर भी महान है। तेरी महिमा फिर भी नहीं बयान कर सकते, तेरी उचताई, तेरी उचताई है। ये गल वखरी है, चलो तू सानू बां दे दिती, तेरी बां पकड़ के असी उपर आ गए, तेरे बराबर भी बैठ गए, तू बराबरी ते भी बिठा देता, फिर भी तू उच्चा है, फिर भी तू महान है। ये भगती रस है। सारे पाप खो जांदे ने, सारे पाप जो है धुल जांदे ने। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भगत रविदास कहंदे ने, सत्संग तो बिना कथा कीर्तन सुने बिना भावना नहीं पैदा होंदी, ते भावना तो बिना भगती नहीं, ते भगती तो बिना भगवान किथे, परमात्मा किथे। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज रहमतां करन, सारियां ते बख्शिशां करन। रब दी गल कीर्तन राही सुनदियां सुनदियां, कथा राही सुनदियां सुनदियां भाव पैदा होवे, और भाव दे च इतना उछाल आवे कि भाव भगती बन जाए, और साडा संबंध उस अकाल पुरख नाल जो है जुड़े, साडे सारे पाप मिटन,
साढ़े सारे दुख मिटन, सतगुर सारिया ते ऐसी मेहरामद करन, इतने ही शब्द प्रवान करने, इत्थे ही समाप्ति। शाम दा भी दीवान सिटी साहब और कहिंदे सन रखे है जी, तो रोज दी तरह 7 बजे तो लैके 9 बजे तक शाम नूं भी इस तरीके नाल दीवान सजणगे, कीर्तन होवेगा, कथा होवेगी, विचार आउणगियां। उम्मीद है आप शाम नूं वक्त कढ़ के पहुंचण की कृपालता करोगे। तो शाम नूं दास ने मूल मंत्र की विचार आरंभ की हुई है, तुच बुद्धि अनुसार उही आप जी दे सामने रखांगे। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। ज्ञान।